अपने उद्यम कौशल से एक विशाल कारोबार खड़ा करने वाली वीजी सिद्धार्थ की आत्महत्या कारोबार जगत के साथ आम लोगों का ध्यान खींचने वाली है। मंगलुरु की नेत्रावती नदी से उनका शव मिल जाने के बाद इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर सफलता की इबारत लिखने वाले वीजी सिद्धार्थ ने किन हालात में फंसकर जान दे दी। इस सवाल पर जितने मुंह उतनी बातें वाली स्थिति है। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचना भी जल्दबाजी और एक तरह से समस्या का सरलीकरण है कि कैफे काफ़ी डे के संस्थापक टैक्स सिस्टम की शक्ति का शिकार हो गए। इससे इनकार नहीं कि वीजी सिद्धार्थ टैक्स संबंधी विवादों से घिरे हुए थे और उन्होंने अपने अंतिम पत्र में एक टैक्स अधिकारी के सख्त रवैये का जिक्र किया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उन्होंने यह भी लिखा है कि वह कर्जदारों के दबाव से तंग आ गए हैं। इसमें दो राय नहीं कि कारोबारियों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आम तौर पर वे इन समस्याओं का सामना करना भी बखूबी जानते हैं और इसीलिए कामयाबी हासिल करते हैं। यह भी ध्यान रहे कि विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए कामयाबी पाने वाला कोई शख्स आत्महत्या करने का फैसला तभी करता है जब हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं। फिलहाल किसी के लिए भी उन कारणों की तह तक पहुंचना कठिन है जिनके चलते कॉफ़ी किंग वीजी सिद्धार्थ ने अपनी जान दे दी, लेकिन चूंकि उनकी मौत के कारणों में टैक्स सिस्टम की शक्ति का भी उल्लेख किया जा रहा है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार कैफे कॉफ़ी डे के संस्थापक की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए सक्रिय हो। यह इसलिए और भी ज़रूरी है क्योंकि टैक्स सिस्टम की शक्ति को टैक्स टेररिज्म की संज्ञा दी जा रही है। निसंदेह यह कोई अच्छी स्थिति नहीं कि एक ऐसे समय जब सरकार उद्योग व्यापार को गति देने की कोशिश में लगी हुई है तब उसकी टैक्स व्यवस्था को टैक्स टेररिज्म के तौर पर परिभाषित किया जाए। इस तरह की परिभाषाएं उद्योग व्यापार जगत के लिए प्रतिकूल माहौल का निर्माण करने वाली साबित हो सकती हैं। बीते दिनों आयकर दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री ने टैक्स विभाग के अधिकारियों को मधुमक्खी की तरह काम करने की सलाह देते हुए यह भी कहा था कि जो टैक्स सिस्टम से खेल रहे हैं उन पर पैनी नज़र रखी जाए। यह एक सच्चाई है कि कुछ कारोबारी अभी भी दो नंबर के तौर तरीके अपना रहे हैं, लेकिन सरकार को यह देखना होगा कि शक्ति की जद में केवल वही आए। हाल ही में आयोजित जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े में सरकारी आयोजनों के परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहे हैं। यह जागरूकता का ही नतीजा है कि लोगों में परिवार को नियोजित रखने की इच्छा शक्ति बढ़ी है और उसके लिए वे छिछक छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। परिवार नियोजन का जिम्मा कभी महिलाओं के मत्थे मरने वाले पुरुष अब आगे बढ़कर खुद यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हो रहे हैं
स्वास्थ्य विभाग ने परिवार नियोजन पखवाड़े की जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक नसबंदी के मामलों में इस बार पुरुषों की 27% हिस्सेदारी बढ़ी है। यह पुरुषों की मानसिकता में आए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि महिलाएं भी अभी भी उनसे बहुत आगे हैं। परिवार कल्याण निदेशालय की ओर से मंगलवार को जो आंकड़े जारी किए गए उनके अनुसार जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के दौरान पिछले साल 940 पुरुषों की नसबंदी हुई थी, जबकि इस साल 1190 पुरुषों में यह जिम्मेदारी निभाई है। इस पखवाड़े के दौरान 2,00,000 दंपतियों ने परिवार नियोजन के आधुनिक साधन अपनाए। इसमें 13,000 जोड़ों ने स्थायी साधन और करीब 2,00,000 दंपतियों ने परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों को चुना है। पखवाड़े में प्रदेश की 12,000 महिलाओं और 11,000 पुरुषों ने नसबंदी कराई है, जबकि 65,000 ने इंट्रा यूटेराइन कंट्रोलशिप डिवाइस और 21,000 ने पोस्टमार्टम इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव अपनाई है। इसके अलावा प्रदेश में 34,00,000 कंडोम व 4,00,000 माला एन टैबलेट वितरित की गई और 46,000 महिलाओं ने अंतरा का डोज लिया। देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के सामान्य जन का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सजग होना शुभ संकेत है, लेकिन इस क्षेत्र में और बेहतर परिणाम मिलने की काफ़ी गुंजाइश है। लोगों को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों के अलावा रोजी रोजगार के साधनों की उपलब्धता को देखते हुए जनसंख्या को सीमित रखने में ही सबकी भलाई है। अगर इस दिशा में सजगता नहीं बरती गई तो हम जनसंख्या विस्फोट से देश और समाज का अहित करने के भागीदार बनेंगे, जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को दोषी ठहराएंगी।